नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बलिया क्षेत्र के टेंगरही के पास ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे पर अंडरपास बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों द्वारा शुक्रवार को ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शुभम सिंह व जगदेवा के प्रधान सतन यादव के नेतृत्व में तहसील पर आयोजित होने वाले धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर रोक दिया, जिसके बाद दोनों प्रधान कुछ लोगों के साथ बिना जुलूस के तहसील पर पहुंचकर उप जिलाधिकारी बैरिया सुनील कुमार को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि बनवा बाजार से टेंगरही गांव होते हुए देवराज ब्रह्म मोड़ को जोड़ने वाली लोक निर्माण विभाग के सड़क पर अंडरपास बनाया जाए। दोनों प्रधान ने कहा है कि जब तक अंडरपास नहीं बनेगा हम यहां ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का कार्य नहीं होने देंगे, जिस पर उप जिलाधिकारी ने भरोसा दिया है कि उनकी भावना से वरिष्ठ अधिकारियों व ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे के अधिकारियों को अवगत करवाया जाएगा। आग्रह किया जाएगा कि ग्रामीणों की सुविधा के लिए यह अंडरपास बने और जो भी होगा आप लोगों को विश्वास में लेकर ही किया जाएगा। इसके बाद लोग वापस लौट आए। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शुभम सिंह ने बताया कि टेंगराही मिश्रा के हाथा जगदेवा सहित आधा दर्जन गांव के लोगों के लिए सोनबरसा अस्पताल रानीगंज बाजार बैरिया तहसील विकासखंड कार्यालय बैरिया जाने के लिए एकमात्र रास्ता है। अगर ये बंद हो गया तो ग्रामीणों को 6 किलोमीटर की दूरी तय कर अस्पताल आदि जाना पड़ेगा, जिसे हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोनों प्रधानों ने चेताया है कि चाहे जो भी हो जब तक अंडरपास नहीं बनेगा हम लोग ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण नहीं होने देंगे। ज्ञापन देने वालों में शामिल पूर्व प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र सिंह, राम सिंह, संतोष सिंह, रविंद्र यादव, योगेंद्र कुमार चौबे, राणा सुमंत सिंह, दीनानाथ सिंह, प्रवीण कुमार यादव, सत्यनारायण सिंह सहित दर्जनों लोग शामिल थे। इससे पूर्व टेंगरही सचिवालय पर ग्रामीणों ने जुटकर शक्ति प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी।